टिकेगा, एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना, फिर कितने आदमी को हम झाड़ देंगे। लड़ाकू आदमी तो हम हैं, अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, हर वक्त जरूरत पड़ा ठोक देंगे। बोले जदयू विधायक गोपाल मंडल, कोई भी हमसे बड़ा लाठीबाज नहीं, अगर हम लाठी चलाने लगेंगे तो कईयों को झाड़ देंगे, रिवॉल्वर मेरे पास रहता है, जरूरत पड़ा तो ठोक देंगे। गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज ने कहा कि गोपाल मंडल को कोई बंधक नहीं बना सकता है, जो बंधक बन गया वह तो वहीं पर मर गया। हमारा एक और तरीका है, अगर कोई आफत आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। बांका के बौसी में जमीन विवाद को लेकर वहां के स्थानीय ग्रामीण और विधायक के बीच हुई नोकझोंक की पूरी कहानी का जिक्र करते हुए श्री मंडल ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि वहां कोई भी हमसे बड़ा लाठीबाज नहीं था, अगर हम लाठी चलाने लगेंगे तो कईयों को हम झाड़ देंगे, हम तो लड़ाकू आदमी हैं ही, फिर रिवॉल्वर मेरे पास रहता है ना, जरूरत पड़ा तो ठोक देंगे। विधायक ने पूरी कहानी का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 9 महीने पहले उन्होंने एक स्कूल बनाने के लिए जमीन खरीदी थी। जिस वक्त उन्होंने जमीन खरीदी थी उस समय पूरी तरह से खाली था, बीच में कोरोना काल आ गया, चुनाव आ गया और चुनाव के बाद वे मंत्री बनने पटना चले गए। पिछले दिनों कई लोग उनको कह रहे थे कि उनकी जमीन पर कई लोगों ने कब्जा कर लिया है, वही देखने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन पूरे 25 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग करके मकान बना लिया है और किसी ने पक्का मकान बना लिया तो किसी ने 4 दीवारी देकर छोड़ दिया। गोपाल मंडल ने कहा कि जैसे ही उनकी गाड़ी वहां पर लगी तो कुछ लोग लाठी लेकर उनकी तरफ दौड़ गए। जब पूछा गया कि आप लोग कौन हैं, मेरे जमीन पर घर क्यों बना रहे हैं, तो वहां के लोगों ने कहा कि आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं। श्री मंडल ने कहा कि मैंने अपना परिचय दिया। इसके बाद वहां के लोगों ने पूछा कि आप तो हथियार के साथ क्यों आए हैं। उन्होंने इस संदर्भ में देवघर में हुई एक स्कूल के डायरेक्टर की हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हमको मरना नहीं है, इसलिए हम लोग पूरी व्यवस्था के साथ चलते हैं। चाहिए उसमें क्या मामला, कुछ नहीं है। वहाँ पर स्कूल खोलने के उद्देश्य 25 ब्याज में लिए थे, जिस टाइम में लिए थे पर्ची था, कहीं कोई विरोध नहीं किया, प्लॉट देखे, सब कुछ देखे, जमीन लिखवा लिए। उसके बाद कोरोना काल आ गया, कोरोना में लिखाए थे तो कोरोना काल में स्थिर हो गए। उसके बाद फिर चुनाव आ गई, चुनाव के बाद मंत्री बने गए, लेकिन जो जमीन लिखे तो उन्होंने बोल रहा था कि वहाँ मकान बन रहा है। हमसे पूछ तो उसका बनता होगा, जाएंगे हम, रहने दो, मकान हमारा ही बन रहा है, तो तंग कर दिया। तब हम गए, यहाँ से गए तो 2500 बीघा में एक तरफ से प्लॉटिंग करके मकान बना रही है, कोई बाउंड्री वाल दे दिया, ये सब ये देखने के लिए। जैसे हम गए ना तो गाड़ी लगाए हैं तो सारा लाठी लेके दौड़ा, हमने कौन है तुम दे तुम लोग, तो बोला कि आप कौन है, हम बोले मिले गोपाल कहाँ आए, कहिए हमारे ज़मीन पर आप लोग घर बना पिया है, हाँ हमें बनाया, हमारा ज़मीन है, अच्छा आप ही का ज़मीन है, तो हम देखने के लायक, हम देख लिए कि घर बन गया है, तो घर बात तोड़ेंगे नहीं है ना, पक्के का मकान बना है ना, अब तो हम कोर्ट के माध्यम से आएंगे, अभी क्या करना है, हम यही देखने के लायक और क्या, राइफल बंदूक के लिए हमारा तौर तरीका है। बिरगदर सिंह मारा गया, वो बांका के स्कूल के जो डायरेक्टर थे वो गए अकेले वहाँ पर, कहने के मतलब देवघर जमीन देखने के लिए, वहाँ की आदिवासी ने डेंगा के मार दिया। हम मरना नहीं चाहते हैं, इसलिए तैयारी के साथ चलते हैं, अगर कोई आफत आएगा तो छोड़ेंगे हम नहीं, हमारा ये तौर तरीका है। ये लाइसेंस नहीं, चोर का है, चोर का है तो तुम कौन है, DM है कि गवर्नर है, हमारा जाँच करोगे। तो फिर हम नहीं है माना, हल्ला कर रहा था, कुछ से कुछ लाठी भांजे, हमारा भी समर्थक था, धक्कन धुक्की ये सब कर रहे थे, हटो हटो हटो, कुर्सियाँ लाओ बैठा करके, कुर्सी तो दे दिया आपको, अब कुर्सी कहाँ है, नहीं है, नहीं है, जो बोलना हो बोला। हम तब लगा दिए दरोगा को, तो दरोगा ने छोटा मोटा पुलिस को, एक तो पासवान जाति से था, अच्छा ठो लेडीज़ को भेज दिया, तो उसका कोई गिनती है वो लोग नहीं दिया, हमें देख रहे हैं दारू पी के कैसे कैसे कर रहा है, कुछ तो कीजिए। तब DSP को लगाए, DSP बोला हम अच्छे फोर्स को भेज रहे हैं, दारू पिया हम तो घेरेंगे पकड़ना, लेकिन बहुत टाइम लग गया, हम सोचे और मामला बिगड़ जाएगा, अंधार हो जाएगा। तब किसी तरह उसके बाद एक प्रमुख आए, वहाँ के हारे हुए प्रमुख जीते हुए बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बोला क्या है विधायक जी, हम नीचे चलना, ए तो उसने शांत रहो, हम चलते हम चलते, उसका भी गिनती नहीं दिया। उसके बाद आगे एक ठो जदयू के जिला उपाध्यक्ष जादव जी कोई थे, वो आए, विधायक जी आप यहाँ, बोले आप जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं, हमने क्या बात है, तो हम आपका नाम सुने तो आ गए, क्या बात है, ऐसे ऐसे आए थे वो देखने के लिए, फिर तो घेरा घेरी कर रहा है भाई, बड़ा मुश्किल लगता है, कुछ करना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं, ए तुम लोग स्थिर हो जाए, क्या कि जाना चाहे जाए चाहे, हम जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, हम सिर्फ देखने के लिए आए थे, बाकी कोई बात नहीं। बंधक बनाने के वाली जो बात आ रही है वो क्या सही है,
अरे भाई ये घंटा डिस्टर्ब किया बंधक का एक जो कही अब गोपाल में कहीं बंधक में जाता है, बंधक मर गया तो उसी टाइम मर गया। अरे हथियार अगर या जो आपके साथ नहीं रहता है तो कुछ बड़ी घटना हो सकती थी? घटना नहीं होती, दोनों तरफ से मार हमसे ज़्यादा लाठीबाज नहीं था बनिया बेताल साहब, हमरे सामने में टिकेगा। एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना फिर कितने आदमी को हम झाड़ देंगे, लड़ाकू आदमी तो हम हैं। अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, हर वक्त जरूरत पड़ा ठोक देगी। और कल आपके पास बॉडी गार्ड हो चाहे ये सब नहीं रहता तो कोई घटना होने का आशंका? अब वो तो क्या कहा जाए, नहीं कुदरत नहीं ये क्या कहा जाए उसको, वो तो अलग बात है ना, क्या होता नहीं होता, हो सकता कोई नहीं रहता आक्रोश में हम ही मार देते हैं। अब फिर उन लोगों का इलाका था, गांव था, हम दूर से गए। कब लिए थे सर जमीन? जमीन लिए थे 9 महीना हो गया करीब। इसी बीच में एकदम रफ्तार में वो लोग एक ही टाइप का ईटा एक ही साइज का मकान लगा एक ही मिस्त्री ने बना लिया। अब कितना मकान बना रहे हो? और 2500 बीघा में बना लिया, कहीं बाउंड्री वाल कर दिया, कहीं कुछ पड़ती रहा ही नहीं। आप उसमें क्या करना चाहते थे? स्कूल बनाना चाहते थे। अब आपका क्या उसमें? उसमें कुछ आप स्तर प्रशासन स्तर से कुछ पाल किया? हाँ, प्रशासन स्तर से एसपी हमारी मदद में हैं। अब सिस्टम से जाएंगे ना, वो खाली वो लोग कराएगा। हम स्पष्ट कर दिए 24 तारीख को विधानसभा ख़त्म होने वाली है भाई, उसके बाद हम आएंगे 25 या 26 को आएंगे। हम का पेपर लेके, आप लोग पेपर लेके रहिएगा, फ़ोन कर देंगे, आप लोग फ़ोन नंबर लिए हैं। अगर हमारा ज़मीन निकला तो बोल्डेजर लेके तोड़ देंगे, तोड़ दीजिए, हम तोड़ देंगे, आदमी को तोड़ देंगे, तो इस वाला ज़मीन क्या है? तो ये तो हमारा है, फिर पेपर ने बताएगा किसका है। अगर आप लोगों का होगा तो हाथ जोड़ के हम चले जाएंगे, हमको ज़मीन नहीं चाहिए, यही बोले। इसका लिखित कल जो घटना है उसके बारे में कहीं सूचना दिया है सर? हम आप ही लोग सूचना ले रहे हैं, हम लिखित क्या देंगे? अरे हम नेता आदमी हैं, हम पब्लिक है, हमारा लोग है, तो उस पर लिखित क्या करेंगे? हम यही कहते हैं अपहरण बना लिया, इस पर मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए। ये तो कमजोर आदमी करता है, बढ़िया आदमी नहीं।